अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया था थैली में चीकू का शेक, बहुत फेवरेट है हमारे घर में सबका। और ये सॉफ्ट फ्रूट होता है ना, तो बुज़ुर्ग भी बहुत शौक से खाते हैं, और अगर मीठे हों रसीले हों तो फिर बहुत ही मज़े का बनता है ये शेक। अच्छा, शेक्स के लिए मैंने जो ये चीकू काट के छील के फ्रीज़ कर दिए थे, मुझे थोड़ा सा स्लशी पसंद है। अगर आपको स्मूथ चाहिए तो फिर आप इसको ना फ्रीज़ करें, लेकिन ये कि मुझे हमारे घर में ज़्यादातर सब इस तरह का खूब यह ठंडा ठंडा स्लशी सा फील कर पसंद करते हैं। अच्छा, ये 10 चीकू थे और इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। अब ये मैंने इनको ब्लेंडर में डाल दिया है, साथ ही मैंने आधा लीटर मैंने इसमें दूध डाल दिया, और दूध भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा ठंडा था। अच्छा, अब मैंने इसकी मिठास को कंट्रोल करना था, तो 4 टेबल स्पून, क्योंकि चीकू ज़्यादा मीठे नहीं थे, आपके मीठे हों तो आप कम कर लीजिए। ड्रिंकिंग चॉकलेट डाल दी मैंने इसमें, 2 टेबल स्पून। नहीं है आपके पास तो आप कोको पाउडर डाल सकते हैं, कोको पाउडर भी वही फ्लेवर देगा। बस इसको ब्लेंड कर लें अच्छा सा स्मूथ, और बस इसको हम फिर अब ग्लासेस में निकालते हैं। ग्लासेस को मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप के साथ, चॉकलेट सॉस के साथ गार्निश कर लिया था, क्योंकि प्लेन प्लेन ग्लास लगते हैं ना, तो थोड़े से इस तरह से अट्रैक्टिव हो जाती हैं चीज़ें। तो ये डेकोरेशन वगैरह तो अपने हाथ में ही है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो आप बस इसको फिल कर लें इसमें। और गाढ़ा कम का ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें मज़ीद दूध डाल लें, अगर कम लग रहा है तो फिर आप चीकू, अगर फ्रूट आप बढ़ाना चाहें तो फ्रूट बढ़ा लें, जैसे आप पीना पसंद करें। विप क्रीम है ये मेरे पास, ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है इसको डालना। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। और इसको आप चीकू को मज़ीद और दीगर फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं, जैसे केले के साथ या खजूर के साथ भी बनाएं, तो वो भी बहुत एनर्जेटिक और फिलिंग होगा। अच्छा, ऊपर से ये प्लेन प्लेन लग रहा था, तो मैंने क्रीम के ऊपर थोड़ा सा क्रीम दोबारा से डाल दिया, चॉकलेट सॉस, और बस ये रेडी हो गया। बहुत मज़े का शेक होता है, बहुत मुफीद है, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बड़ों को, सबको बहुत फ़ायदा करेगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।